रेउदर उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति कार्यालय जे बाहर महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ रेउदर ब्लॉक द्वारा मनरेगा अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 14वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि संविदा कर्मियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 मई से कर रहे हैं कार्य का बहिष्कार। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहने को लेकर भी मुख्यमंत्री को करवाया अवगत। 17 वर्षों से कर रहे कार्यों का भी दिया हवाला। ज्ञापन में बताया कि आंदोलनों धरना देने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही मांगे। 4-5 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रमुख मांगों में ये है कि अपनी 2013 की जो भर्ती हमारी प्रारंभ की गई थी वो बीच ही में अधूरी छोड़ दी गई। कुछ एलडीसी बन गए और कुछ अभी भी उनके बाकी रह गए, वंचित रह गए अभी तक। तो उसको हमारी मांगे कैलेंडर जारी करके उनको दोबारा से और लिया जाए इनको, ये प्रमुख मांग है। संघ ब्लॉक रेउदर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 4 तारीख से आज तक धरना रेउदर ब्लॉक पर रखा गया है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि कैलेंडर जारी करें और नियमितीकरण कार्य करें। सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें 15-16 साल हो गए, अभी तक हमें इस कार्य से नियमितीकरण से वंचित रखा गया है। तो हमारी मांगे जायज़ है और सरकार हमारी रोजी रोटी को परिवार की ओर ध्यान रखते हुए हमें नियमितीकरण कार्य करावे।